हेलो फ्रेंड, मैं रेनू सिंह। आज मैं आपको छोला भटूरा की रेसिपी बताने जा रही हूँ। पहले मैं ये छोले को 5 घंटा पानी में भिगो के रखी थी। अब अच्छी तरह धोने के बाद आप मैं इसे प्रेशर में कुकर में डाल रही हूँ। पहले छोले को डालने के बाद 2 तेज पत्ते, दालचीनी, इलायची और यह रही लौंग। अब इस पानी में मैं चाय पत्ता को पहले अच्छी तरह बॉईल करके उस छोले में डालने के लिए, क्योंकि इसका कलर छोले भटूरे का आएगा। ये चाय पत्ता को मैं अच्छी तरह खोला के, ये मैंने चाय पत्ता का पानी बॉईल करने के बाद, देखिए अब ये इस छोले में हमें सारी के सारी डाल देनी है। अब इसे मैं बंद करने के बाद 4 से 5 सीटी लगने के लिए प्रेशर गैस पर मैं बैठा रही हूँ। अब आगे मैं मसाला भूनने जा रही हूँ। पहले इसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून छोला मसाला, ये 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून आपका हल्दी, और इसमें आप 2 टीस्पून आम चूर पाउडर, ये मैंने पहले से करके रखती हूँ। अब आगे का प्रोसेस है, जो मैंने कढ़ाई चढ़ा चुकी हूँ। अब इसमें मैं तेल डाल रही हूँ, सनफ्लावर ऑयल। आप प्रेशर कुकर में मैंने 5 सीटी लगा के रख दी हूँ। अब आगे मैं मसाला भूनने जा रही हूँ। प्याज तेल जो गर्म हो चुकी है, इसमें जो प्याज मैंने पहले से काट के रखी हूँ बारीकी, ये डाल रही हूँ। इसे थोड़ा ब्राउन होने तक ही भूनना है आपको, हल्का ब्राउन होना ही है। होने के बाद इसमें आप ये देखिए प्याज ब्राउन हो गया है। उसके बाद मैं पहले से जो 2 प्याज का पेस्ट बना के रखी थी, अब मैं उसे भूनूंगी। और प्याज को आराम से आपको भूनना, कम से कम 5 से 7 मिनट तक, जब तक कि इससे तेल ना छोड़े। ये देखिए प्याज भूनने के बाद, अगर आपका कढ़ाई में अगर सट रहा तो टेंशन लेने की बात नहीं, हल्का साइज में आप पानी दीजिए और फिर इसे अच्छी तरह फेंटिए। उसके बाद मैं टमाटर, 2 टमाटर को पहले ही मैं पीस के रखी थी, ये रहा 2 टमाटर। फिर टमाटर को इसके साथ अच्छी तरह मिक्स करना है। उसके बाद आपको टमाटर 1 से 2 मिनट भूनने के बाद मैंने ये अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, फिर इसे अच्छी तरह भूनना है। और पहले से जो मैंने मसाला सब सूखा मसाला रखी थी, आप मैं उसे डाल रही हूँ। और फिर इसमें स्वाद अनुसार नमक, अब इसे हल्की आंच में
पाँच से सात मिनट तक आप इसे आपको अच्छी तरह भूजनी है मसाला को। अब मैं जो प्रेशर कुकर में पहले से छोले को बॉयल कर हूँ उसे मैं आप निकालती हूँ। ये रहा आपका, अब इस छोले को मैं इस छोले को जो मसाला अच्छी तरह भुजा चुकी है इसमें मैं डाल के और उसके बाद जो पानी जो छोले की पानी है उसे मैं अब इसे डाल के अच्छी तरह हल्की हाथ में दो तीन मिनट इसे मसाला को छोले के साथ मिलने के लिए रखेंगे। जब तक छोला कंप्लीट हो रहा आगे बटोरे की आटा को मैं मैदा को ये गूंदने जा रही हूँ। ये रहा एक कप मैदा, एक चम्मच सूजी। सूजी डालने का रीज़न है कि आपका जो बटोरा होगा एक थोड़ा सा क्रंची होगा। उसके बाद एक चम्मच चीनी, उसके बाद थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, ये रही एक से डेढ़ चम्मच दही। आप इस आटे को मैं अच्छी तरह हाथों से पूरी मिक्स करेंगे। ये देखिए सारी मिश्रण को अच्छी तरह मैं मैदा में मिला दी हूँ। आगे पानी हल्का हल्का डालना है क्योंकि आगे मैं इसमें दही भी डाली हूँ। बस इस तरह आपका अंदाज से इस आटे को अच्छी तरह सान लेना है। ये देखिए आटा अच्छी तरह ये हो मत ये कर सान लिए। उसके बाद इस मैदे के ऊपर से तेल से थोड़ा लेयर करके अच्छी तरह आप इसे चार से पाँच घंटा के लिए आप इसे ढक कर छोड़ दीजिए। अब इसमें मैं थोड़ा सा कसूरी मेथी को हल्का सा भूज के अब मैं इसे इस छोले में डालूंगी। अब इसी पैन में मैं छोले वो पहले मैं तड़का करूँगी। एक चम्मच घी, घी डालने के बाद इसमें हरी मिर्च जो मैं पहले से काट के रखी हूँ देखिए दो भाग करके, और ये रही अदरक। अब मैं इसे इस घी में डालूँगी। ये हल्का सा भूज जाने के बाद अब मैं इसको इस छोले में ऊपर से देखिए बाहर ये आपके छोले तैयार। अब मैं बटोरे के लिए जा रही हूँ। अब ये आटा मैंने जो सान के रखी थी देखिए तो पूरा अच्छी तरह से हो गई है। अब इसे मैं ये देखिए कि ये भटूरे की डोस अच्छी तरह तैयार हो गई। अब मैं इसे ये देखिए हल्की हल्की पेड़े बना के रखने हैं
अब इसे मैं हल्की हाथों से राउंड करने के बाद मैं अब इसे भटूरे बेलने जा रही हूँ। अब इसे हल्की हल्की हाथों से इसे बेलते चलिए। आप जिस साइज का करना चाहते हैं, बड़े तो बड़े, छोटे तो छोटे। अब इसे हाथों पर लेके ये तेल पूरा हाई फ्लेवर में रहना चाहिए, तब अच्छी तरह ये भटूरे होंगे। ये देखिए आपके भटूरे बहुत अच्छी तरह से फूली है। आप इसे मैं निकाल रही हूँ। ये आपका छोले भटूरे कंप्लीट है। ये देखिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और घर में जरूर ट्राई करके देखिए।